हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉजिक का इंपॉर्टेंट पार्ट, निगेशन। अभी निगेशन इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा, लेकिन इंग्लिश में उसका मीनिंग चेंज नहीं करते हैं, यहां पे उसका मीनिंग अपोजिट बन जाता है। तो पहले देखेंगे निगेशन के रूल्स और उसके बाद निगेशन का एप्लीकेशन। तो पहले एंड का साइन कैसे होता है पता है आपको? पी एंड किल, बराबर। अभी इसका अगर हमें निगेशन निकालना है तो निगेशन ऑफ पी एंड क्यू इज इक्विवेलेंट टू, ये दोनों का निगेशन लेना, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू। तो एंड का निगेशन रूल कैसा है देखो, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू क्या आएगा, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू। और होगा तो आर, पी और क्यू, ये स्टेटमेंट है। अभी पी और क्यू का अगर हमें निगेशन निकालना है तो क्या करना, फिर एक बार निगेशन ऑफ पी यहां पे एंड कर देगा, आर का एंड का क्या हो जाता है आर, तो आर का एंड हो जाएगा, यहां पे निगेशन आएगा निगेशन ऑफ क्यू। समझ में आया? अभी इफ दे यानी पी इंप्लीकेशन क्यू, अभी पी इंप्लीकेशन क्यू का निगेशन क्या है देखो, निगेशन ऑफ पी इंप्लीकेशन क्यू, इसका निगेशन आएगा पी एज इट इज एंड निगेशन ऑफ क्यू। यानी अगर P implication Q है, यहां पे P को हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस, क्योंकि क्या कहते हैं, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन का निगेशन निकालना, हाइपोथेसिस का निगेशन नहीं निकालना है, यानी P का निगेशन नहीं लेना है, सिर्फ Q का निगेशन लेना है। बीच में कौन सा साइन डालना है, एंड का, तो P implication Q क्या हो जाएगा, P एंड निगेशन Q, ऐसे हो जाएगा। तो उसके बाद P डबल इंप्लीकेशन Q का निगेशन, अभी यहां पे जो डबल इंप्लीकेशन होता है यानी बाई कंडीशन होता है, यानी दो कंडीशन है, एक P टू Q है, दूसरा Q टू P है। तो हम इसका रूल खुद बना सकते हैं कैसे, तो निगेशन ऑफ P डबल इंप्लीकेशन Q यानी यहां पे क्या हो जाता है, निगेशन ऑफ P implication Q and P implication Q and Q implication P, ऐसे दो कंडीशन है। तो हमें क्या करना है, दोनों का निगेशन निकलना है, बीच में एंड है तो क्या बन जाएगा, और बन जाएगा, यानी निगेशन ऑफ P implication Q और निगेशन ऑफ Q implication P, बराबर। तो उसके बाद आएगा P implication का negation, आपको पता है P and negation Q, तो P and negation Q और Q and negation P, यहां पे Q का negation नहीं आने वाला, P का negation आने वाला है। रूल कौन सा यूज किया हमने, implication का, बराबर। तो ये बन गया negation of P double implication Q, यानी इसका निगेशन हमें निकालना है P डबल इंप्लीकेशन Q का। तो याद रखना देखो, P इंप्लीकेशन Q का निगेशन क्या आएगा, P एंड निगेशन Q, तो P एंड निगेशन Q और बीच में क्या डालना है, आ। और अभी Q और P का प्लेस चेंज कर देगा, यानी Q एंड निगेशन P बन गया P double implication का निगेशन। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बाद में जब हमें स्टेटमेंट पैटर्न प्रूव करना है तो ये रूल यूज करने, निगेशन के
तो निगेशन के रूल देख रहे हैं हम, उसमें निगेशन देखो एन का निगेशन आ गया, आर का निगेशन आ गया, इफ देन का, इफ एनोनिमिक का, अभी निगेशन का यानी निगेशन ऑफ पी होगा। तो निगेशन ऑफ निगेशन पी का क्या आएगा, तो वो स्टेटमेंट आएगा यानी मुंबई इज कैपिटल, मुंबई इज नॉट कैपिटल ऑफ इंडिया, इसका निगेशन क्या आएगा, तो मुंबई इज कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी निगेशन का निगेशन क्या होगा, इज अ स्टेटमेंट, इज अ स्टेटमेंट। फिर बाद में हमें क्या देखना, योर क्वांटिफायर, जो क्वांटिफायर हमने देखे उसमें से दो क्वांटिफायर है फॉर ऑल आंसर, जब क्वांटिफायर आएंगे तो हमें क्या करना है, फॉर ऑल का क्वांटिफायर का फॉर ऑल ये साइन जो है इसको रिप्लेस करना है, अगर इसका निगेशन हमें लेना है तो फॉर ऑल का निगेशन क्या करेंगे, तो निगेशन ऑफ फॉर ऑल तो हो जाएगा देयर एग्जिस्ट, क्या हो जाएगा देयर एग्जिस्ट, यानी फॉर ऑल के लिए हमें क्या करना है, देयर एग्जिस्ट लिखना है या सम लिखना है, देयर एग्जिस्ट और सम, और सम होगा तो क्या करेंगे, यानी इसका निगेशन, निगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट का निगेशन आएगा फॉर ऑल, और इव फॉर ऑल और एवरी, ये दो वर्ड हमें लिखने होंगे। तो दीज आर द रूल्स ऑफ निगेशन। फिर एक बात देखेंगे, एंड के लिए क्या करना है, दोनों साइड का निगेशन निकलना है, बीच में आर डालना है, एंड का और हो जाएगा, आर का एंड हो जाएगा, ये तो सिंपल हो गया। अभी पी इंप्लीकेशन क्यू का क्या करेंगे, पी एज इट इज, पी एज इट इज एंड निगेशन ऑफ क्यू, पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, उसके बाद पी डबल इंप्लीकेशन का क्यू, क्यू पी डबल इंप्लीकेशन क्यू का क्या होगा, तो P implication Q का negation जो आता है वो लिखना है, और Q implication P का negation लिखना है, बस यानी दो पार्ट होते हैं उनका negation लिखना है, बराबर। उसके बाद negation of negation P तो P आएगा, for all का negation there exists आएगा, there exists का negation for all आएगा, समझ में आया। तो ये रूल हो गए रूल्स, अभी ये दिस रूल्स के ऊपर हमें क्या करना है, तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल कैसे एग्जाम्पल आएंगे देखते हैं। चलो देखो, यहां पे क्वेश्चन आया, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला क्वेश्चन है, ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर आइसोस्केल्स। अभी इसका जो निगेशन आएगा, तो निगेशन लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर आइसोस्केल्स, अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो हम डायरेक्टली लिखेंगे निगेशन। फिर यहां पे ऑल आया यानी फॉर ऑल, तो फॉर ऑल का देर एग्जिस्ट या सम हो जाएगा, तो यहां पे हम करेंगे सम इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर नॉट आइसोस्केल्स, क्या डालने का, नॉट निगेशन डालने का, तो यहां पे लिखेंगे सम इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर नॉट आइसोस्केल्स, निगेशन, फर्स्ट का निगेशन, समझ में आया। अभी क्या क्या हमने यहां पे पुट किया है, सब ऑल के लिए सब, और एक्स्ट्रा नॉट भी डाला है, समझ में आया। तो सम रियल नंबर, सेकंड नंबर का देखो क्या है, सम रियल नंबर्स आर नॉट कॉम्प्लेक्स नंबर, यहां पे नॉट आया, यहां पे सम आया,
तो सम के लिए हमें क्या डालना है, ऑल ऑल और एवरी, यानी यहां पे एवरी रियल नंबर ऐसे भी बोल सकते हैं हम, या ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहां पे आएगा इसका निगेशन, ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर स्टेटमेंट में एंड होता है तो एंड को निकाल देना है, अगर नहीं होता है तो डालना है। ऑल के लिए सम डालना है, सम के लिए ऑल डालना है, बराबर। एवरी स्टूडेंट हैज पेड द फीस। अभी यहां पे एवरी ये वर्ड है, एवरी यानी ऑल, तो क्या आएगा वहां पे बोलो तो सम आएगा, सम स्टूडेंट, सम स्टूडेंट हैज नॉट पेड द फीस। समझ में क्या क्या हमने यहां पे डाला है अभी, सम एंड नॉट, सम भी डाला नॉट भी डाला। अभी इसका निगेशन फोर, क्या है फोर, फॉर ऑल यन बिलोंग्स टू यन, तो यहां पे आएगा देयर एग्जिस्ट यन बिलोंग्स टू यन। अभी इसका निगेशन यानी नॉट डाल देना, यन प्लस वन इज बेटर दैन, उसको उसके लिए क्या डालना, नॉट, नॉट बेटर दैन टू। और यहां पे हम लेस देन और इक्वल टू ऐसे भी डाल सकते हैं, ग्रेटर देन का अपोजिट क्या होगा, लेस देन और इक्वल्स टू, इक्वल्स टू वही होगा, तो इसका अपोजिट लेस देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन का अपोजिट लेस देन और इक्वल्स टू होता है, ग्रेटर देन का अपोजिट लेस देन नहीं होता है, सिर्फ यहां पे इक्वल टू भी आने वाला है, तो ग्रेटर देन का लेस देन और इक्वल्स टू होता है, लेस देन का ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होता है। तो वैसे ही यहां पे हम डाल सकते हैं लेस देन और इक्वल्स टू, या तो क्रॉस देन होता है यानी नॉट, नॉट हो गया। समझ में अभी फिर फॉर ऑल क्या आएगा, वेयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू यन, यहां पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इवन नंबर, इज नॉट इवन नंबर, ऑड नहीं कहना है, अपोजिट, अगर इवन का अपोजिट ऑड बोलते तो भी चलता है, लेकिन यहां पे हमें वो नहीं करना है, हमें क्या करना है, उसका अपोजिट करना है, यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज नॉट एन इवन नंबर, ऐसा लिखना है, नॉट डालना है, नॉट नहीं है तो निकाल लेना है। यहां पे देर एग्जिस्ट है, यहां पे क्या है, देर एग्जिस्ट, तो क्या आने वाला है, फॉर ऑल, तो यहां पे आने वाला है फॉर ऑल यन बिलोंग्स टू यन सच दैट, सच दैट यन स्क्वेयर नॉट इक्वल्स टू यन, इक्वल टू यन तो यहां पे क्या डालेंगे, नॉट, नॉट इक्वल्स टू यन। उसके बाद सेवेंथ, देयर एग्जिस्ट है तो क्या लिखना है, फॉर बराबर एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट, क्या लिखेंगे अभी बोलो तो, एक्स स्क्वायर लेस नॉट लेस देन और इक्वल्स टू एक्स, बराबर। अभी नेक्स्ट वन क्या आएगा, नेक्स्ट वन ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज लिव इन द हॉस्टल, अभी क्या करेंगे हम, ऑल के लिए सम डालेंगे, सम स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज does not live in the hostel,
क्लियर। अभी डॉट डाल दिए सम एंड नॉट। वैसे ही सम कंटिन्यूअस फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल, तो क्या करेंगे हम सम के लिए और डालेंगे और नॉट डालेंगे, यानी यहां पे निगेशन क्या आएगा, ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। एंड लास्ट वन, डेमोक्रेसी सर्वाइव्स इफ द लीडर्स आर नॉट करप्ट। अभी इसका जो हमें निगेशन निकालना है उसके लिए हमें इंप्लीकेशन का साइन यूज करना है, तो इंप्लीकेशन का साइन यहाँ पे सिर्फ सम एंड ऑल का हमने निगेशन देखा है, इंप्लीकेशन का निगेशन अभी देखना है। तो अभी लास्ट का निगेशन यहाँ पे डेमोक्रेसी सर्वाइव्स इफ द लीडर्स आर नॉट करप्ट, यहाँ पे हमें ये स्टेटमेंट प्रॉपर इंप्लीकेशन स्टेटमेंट में पहले लिखना है, यानी क्या करना, देखो लास्ट वाला क्या करेंगे हम टेन। अभी डेमोक्रेसी सर्वाइव्स इफ द लीडर्स आर नॉट करप्ट, ये क्वेश्चन ये स्टेटमेंट ऐसा होता है, इफ द लीडर्स आर नॉट करप्ट दे डेमोक्रेसी सर्वाइव्स, यानी गिवन स्टेटमेंट। यहां पे अगर इसका आंसर लिखते हैं हम तो क्या लिखेंगे, गिवन स्टेटमेंट कैन बी रिटर्न एज, ऐसे लिखेंगे इफ द लीडर्स आर नॉट करप्ट देन डेमोक्रेसी सर्वाइव्स, ये हो गया अपना ओरिजिनल स्टेटमेंट। ओरिजिनल उसके दो पार्ट हैं, द लीडर्स आर नॉट करप्ट एंड डेमोक्रेसी सर्वाइव्स, तो उसको हम पी एंड क्यू कहेंगे। तो लेट्स अभी पी ए द लीडर्स आर नॉट करप्ट, यहां पे नॉट निकल दिया तो भी चलेगा, तो पी द लीडर्स आर करप्ट बराबर क्यू डेमोक्रेसी सर्वाइव्स, ये पी एंड क्यू हो गया बराबर। अभी गिवन स्टेटमेंट क्या है, गिवन स्टेटमेंट, तो गिवन स्टेटमेंट आया हमारा निगेशन पी इंप्लीकेशन क्यू, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट, या यहां पे हम लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट या गिवन स्टेटमेंट, कौन सा है, निगेशन पी इंप्लीकेशन क्यू। अभी उसका निगेशन हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट, तो उसका निगेशन क्या आने वाला है, निगेशन ऑफ निगेशन पी इंप्लीकेशन क्यू, ये आने वाला है, इसका निगेशन हमें निकालना है। अभी निगेशन का रूल क्या देखा है हमने, तो पहला पार्ट जो है वैसे रखना है, देखो निगेशन ऑफ पी इंप्लीकेशन क्यू, इसका निगेशन हमने क्या देखा है, कीप पी एज इट इज, पुट इन एंड हियर एंड दे मेक द निगेशन ऑफ सेकंड स्टेटमेंट, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज रखना है, बीच में एंड डालना है, बाद में निगेशन क्यू डालना है। तो यहां पे अगर निगेशन पी आता है तो क्या करेंगे, तो निगेशन पी ये तो पहला स्टेटमेंट है, तो पहला स्टेटमेंट हमें वैसे ही रखना है, वो एंड नॉट हो ना हो वैसे रखना है, यानी ये निगेशन पी यहां पे निगेशन पी वैसा ही रहेगा,
बीच में इंप्लीकेशन के जगह पे हमें क्या डालना है एंड, तो एज, बाद में क्यू का निगेशन डालना है तो निगेशन ऑफ क्यू। इस तरह ये सिंबॉलिक फॉर्म का हमें पहले निगेशन निकलना है, तो बाद में जब हम और एग्जाम्पल का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। फिर एक बार देख लो, पी इंप्लीकेशन हमें क्या करना है, इंप्लीकेशन का निगेशन निकालते वक्त क्या करना है, फुल स्टेटमेंट एज इट इज रखना, उसके बाद एंड डालना, बाद में सेकंड पार्ट का निगेशन निकलना है। तो यहां पे हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेटमेंट निगेटिव था तो वैसे ही रखा एंड सेकंड स्टेटमेंट का निगेशन हो गया। अभी ये सिंबॉलिक फॉर्म है तो इसका हमें वर्बल फॉर्म करना है, therefore निगेशन। अभी निगेशन स्टेटमेंट कौन सा आएगा, तो निगेशन स्टेटमेंट यानी ये स्टेटमेंट बराबर निगेशन पी एंड निगेशन क्यू का स्टेटमेंट आएगा निगेशन। तो क्या आएगा वो, इफ यहां पे देखो निगेशन पी, द लीडर्स आर नॉट करप्ट, पी क्या है, द लीडर्स आर नॉट करप्ट, सॉरी करप्ट, पी क्या है, द लीडर्स आर करप्ट, निगेशन पी क्या आएगा, द लीडर्स Leaders are not corrupt and या बैन negation of Q यानी democracy, then यहां पे and एक मिनट, the leaders are not corrupt and if नहीं आएगा, sorry if नहीं आएगा यहां पे, यहां पे क्या आएगा, द लीडर्स आर नॉट करप्ट एंड निगेशन क्यू यानी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी नॉट सर्वाइव्स। अभी समझ में आया, यहां पे रॉन्ग हो गया था इफ तो नहीं आएगा, डायरेक्टली यहां पे क्या निगेशन पी एंड निगेशन, तो पी का निगेशन क्या है, द लीडर्स आर नॉट करप्ट बराबर एंड डेमोक्रेसी नॉट सर्वाइव्स हो गया। तो ऐसे हमें अगर कंपाउंड स्टेटमेंट आते हैं तो उनका हमें अगर निगेशन निकालना है तो पहले क्या करना, वो कंपाउंड स्टेटमेंट में जो दो पार्ट है उसको पी एंड क्यू कहने, let that P and Q after that